वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। दोस्तों मैं हूं आपका निखिल, आप लोग देख रहे हो आई एम निखिल यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को एक और नया वीडियो में स्वागत। आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं क्विक प्ले, बोले तो प्रैक्टिस मैच। देखो कल अपना टीम इंडिया जीत गया है, सूर्य कुमार भैया ने अच्छा बैटिंग किया, फॉर्म में आया है। चलिए अपन आज का बता देता हूँ, आज अपन बांग्लादेश के साथ खेलने वाले हैं, क्योंकि देखो बांग्लादेश के साथ अपना T20 वर्ल्ड कप मैच होने वाला है कल, उसके लिए आज ही खेलने वाले हैं अपन। चलो अभी टॉस टाइम है, टॉस में अपन टेल्स चुना है, टेल्स चुन के क्या जीतेंगे हारेंगे देखना पड़ेगा। जीत गए तो मज़ा आ जाएगा, हार गए तो क्या करना पड़ेगा, जो भी आता है वही करना पड़ेगा। जीत गया चलिए पहला बैटिंग करेंगे पहला, क्योंकि देखो कल अपना टीम इंडिया बैटिंग करके पहला 180 रन बनाए थे और उनको जल्दी से जल्दी ऑल आउट कर दिया। अपन को भी ऐसा ही करना है, मतलब इसमें तो अभी देखो एक्सपर्ट मैंने हाई रख के आया हूँ, इसलिए ऑल आउट तो नहीं होता, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंस तो होता है, वो डिपेंड्स करना देखेंगे अपन। चलिए पहला बॉल, कैप्टन शकीब अल हसन जी बॉलिंग करने आए, कैप्टन रोहित शर्मा बैटिंग कर रही है। चलिए पहला बॉल परफेक्ट लगा सिक्स ब्रो, अबे तेरी तो ऐसी की तैसी करके रख दिया। देख द हिटमैन रोहित शर्मा भैया बोलते हैं इनको, पहला बॉल ही छः मार के कहाँ तक खोल गया सिक्स के साथ, दूसरा बॉल वन मोर यार कर रही है, लेकिन छोड़ दे। ओ भाई साहब परफेक्ट था, इसमें भी लग जाता तो सिक्स ही हो जाता था, मुझे लग रहा था ऐसा। चले अभी एक सिक्स आने के बाद एक डॉट गेंद है, वन मोर अभी स्लॉट में गेंद है, इसमें टू अर्ली खेला हूँ ब्रे। ओ चले मिल गया चार रन कमा लिया। कल देखो बुमराह भैया ने अच्छा बॉलिंग किया, और रशीद खान क्या भाई तुम ऐसा कैसा, पूरा टॉप ऑर्डर को कहा गया अपना रशीद भैया ने। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके तरफ से, वो कैप्टन है उसका तो स्पेल अच्छा देने का कोशिश कर रहा था, वो दे भी दिया। चलिए टू लेट खेला था, लेकिन दो रन मिल गया, दो रन तो आसानी से मिल गया, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी चार गेंदों में 12 रन आ चुका है। ये देखो ये रियल में T20 दो ओवर में ये कोई स्कोर नहीं है, दो ओवर में कम से कम 40 रन आना चाहिए रियल में, क्योंकि भाई उधर क्या हिटिंग करना रहता है सिर्फ। भाई रन आउट नहीं ब्रो, अच्छा हुआ रन आउट नहीं दिया, डाइव मार के बच गए। उधर देखो सिर्फ ना क्या करना होता है अपने को, अबे ये यार्कर गेंद है ब्रो, छोड़ दूंगा तो क्लीन तो, और अब क्या बोलूं यार, मैं जस्ट अभी बोला था आपको छोड़ दूंगा तो क्लीन, बोल्ड हो भी गया। अभी विराट भैया को भेज दिया हूँ, कल विराट भैया ने भी 100 का स्ट्राइक रेट से खेला है, स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब स्ट्राइक रेट हाई रख के खेल रहे थे, लेकिन बाद में थोड़ा डिफेंस करना पड़ा क्योंकि विकेट्स गिर रहे थे इसीलिए डिफेंस करना पड़ा। लेकिन सूर्य कुमार भैया और हार्दिक पांड्या ने, पांड्या जी दोनों अच्छा खेला है। पहला बॉल मिस ब्रो, जयसवाल भैया जी मिस क्यों कर रहे हो आप। चलिए मैं आपको कुछ जो क्या बता रहा था, अरे मैं रियल में बता रहा था, रियल में देखो क्या होता है कि सब लोग तो मारने के लिए आता है, मतलब डिपेंड्स कोई नहीं करता उधर, इसलिए लग गए तो चौका सिक्स यही जाएगा ना, इसलिए कम से कम 30-35 रन तो होना चाहिए रियल में डिपेंड करने के लिए। अपना पास है छोड़ो, बुमराह है एक ओवर में तो रन नहीं देता और विकेट भी निकाल देता है। कल देखा आपने बुमराह भैया का इकोनॉमी 1.75 था, इधर विराट कोहली भैया का आउट हो गया, डक आउट हो गया ब्रो इसकी तो। चलिए अपने को भी रिवेंज लेना चाहिए इनका। अभी दूसरा ओवर में 3 गेंद हो चुका है, सिर्फ एक ही रन आया, एक विकेट भी निकाला है भाई ने हुसैन ने भी, वन मोर गुड शॉट है, लेकिन क्या बाउंड्री नहीं मिलेगा ब्रो, इसमें भी 2 रन कमा पाएगा अपन, सिर्फ 2 ही रन, 2 रन से कुछ रहना पड़ेगा। अभी देखो 17 पे पहुंच चुका है, लास्ट अभी 2 गेंद है, 2 गेंदों में 2 सिक्स आ गए तो मज़ा आ जाएगा ब्रो मिस। अबे तोरा क्या बोलूँ यार, देखो अभी लास्ट गेंद में 6 आ जाए मज़ा आ जाएगा, बाउंड्री या कुछ तो आना चाहिए, मतलब 6 यार। ओ भाई लेग स्पिन था, आउट क्लियरली मिस हो गया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, क्योंकि अपन भी थोड़ा डिपेंड करने के लिए सोचेंगे। पहला ओवर अपन देखो अभी कुलदीप भैया एंड चहल भैया अपना टीम में है, इसलिए अपन कुलदीप भैया को पहली ओवर दे दिया हूँ डायरेक्टली, डायरेक्टली बोले तो डायरेक्टली दूंगा, क्योंकि
रन्स डिपेंड करना है अपने को। चलिए यम चिदंबर स्टेडियम में अपना स्पिनर क्या कमाल करेंगे देखना पड़ेगा ब्रो। पहला बॉल अबे तोरा क्या बोलूँ यार तेरे को। अब देखो हम लोग जब बैटिंग करने आते हैं तो सिक्स नहीं लगता है ब्रो, सिक्स छोड़ो बाउंड्री भी नहीं लगता। और ये लोग जब बैटिंग करने के लिए आते हैं ना सिर्फ ऐसा बैट घुमाते हैं और छः छक्का मतलब क्या ही है। देखो अच्छा हुआ फील्डर वहाँ रखे थे मैंने, डायरेक्ट थ्रो ये दो रन मिल जाएगा, दो गेंदों में आठ रन कमा लिया। अब क्या हट हक दिया, देख परफेक्ट है टॉप स्पिन, क्या मिलेगा विकेट इस बार? मिल गया तो मज़ा आ जाएगा लेकिन विकेट नहीं मिलेगा, दो रन मिल सकता है। हाँ मिल गया दो रन उनको, डायरेक्ट हिट है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, दो रन भाग लेंगे वो। चलिए कंप्लीट भी हो गया दो रन, बाद में आके स्टंप को बॉल हिट हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं अपने को हिट होने का भी। अभी चलिए वन मोर प्लीपर है इसमें भी, ओ भाई साहब देख यार कर डालोगे तो भी मारता है, नीचे दोगे तो भी मारता है। वन मोर डायरेक्ट हिट है इसमें भी, दो रन नहीं हुआ इसमें, सिंगल ही निकाला है। चलिए ये अच्छा कोशिश नहीं क्या बोलते उसको माइंडसेट, रन्स आने के बाद डिप सिंगल निकाल लिया ब्रो। वन मोर इस एक बॉल बीट हुआ है भाई ने, ये पहला बॉल था चोट इसका, पहला बॉल ही बीट हुआ है, दूसरा बॉल ले पहला बॉल बीट हुआ दूसरा बॉल छक्के में कन्वर्ट कर दिया। अबे क्या बोलूँ यार, देखो आप ऐसे इसमें बोलना क्या रहता है ब्रो, आप जब आप अपन हम बैटिंग करते तो मतलब कुछ क्या बोलने का है अभी। चलिए सिराज भैया को लेके आया हूँ, सिराज भैया थोड़ा क्या सिराज भैया डिपेंड्स करेगा ब्रो। सिराज भैया देखो 20 रन रहता तो भी लास्ट ओवर में उनका ऊपर भरोसा नहीं रहता अपने को, क्योंकि वो मियाँ मैजिक ना करे तो अच्छा करता है, ना करे तो ऐसा हक देता है। देख पहला बॉल ही 6 रन हो गए खत्म मैच। देखो बांग्लादेश अपने हमको हरा दिया, तुमको अपन कल तुम्हारा औकात दिखा देंगे दोस्तों। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यम नहीं कौन नहीं है नैमी, इसको मैन ऑफ द मैच दिया है। आपको स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, चलिए उनका बॉलर्स देख लो, अपना बैट्समैन रोहित शर्मा खेला है इसलिए अपन इधर आया, नहीं तो नहीं आता था। देखो उनका बॉलर्स देखो 3 रन दिया है 1 विकेट के साथ, अपना बॉलर्स हक दिया था। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके साथ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली नया वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।